परशुराम सेवा समिति परिवार बांदीकुई के तत्वाधान में श्री परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा के अमृत भारत रथ का आज बांदीकुई ब्लॉक में जबरदस्त स्वागत सत्कार किया गया। भगवान परशुराम के जयकारों से पूरा बांदीकुई गुंजायमान रहा। परशुराम सेवा समिति के फाउंडर और परशुराम आमंत्रण कुंड यात्रा के बांदीकुई ब्लॉक संयोजक रवि पालीवाल ने बताया कि परशुराम कुंड आमंत्रण रथ यात्रा जो कि सनातन हिंदू धर्म के पांचवे धाम परशुराम कुंड तीर्थ अरुणाचल प्रदेश में भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची पंचधातु निर्मित विशाल मूर्ति की स्थापना विप्र फाउंडेशन एवं भारत सरकार के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है एवं भारत सरकार के सहयोग से करवाई जा रही है। इस हेतु अमृत भारत रथ राष्ट्रीय एकता सामाजिक समरसता सजातीय गतिशीलता का संदेश लेकर भारत के विभिन्न राज्यों से होता हुआ कल मानपुर वाया आभानेरी से बांदीकुई शहर में प्रातः 9:15 पर प्रवेश करेगी। यात्रा गणेश मंदिर भांडेडा रोड से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुढ़ा रोड रॉयल पैलेस पर पहुंची। भगवान परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का जैसे ही रेल नगरी खेल नगर बांदीकुई में प्रवेश हुआ वैसे ही परशुराम सेवा समिति के तत्वाधान में भव्य स्वागत और सम्मान के साथ परशुराम के जयकारे लगाते हुए स्वागत किया गया। इसके साथ ही सैकड़ों की तादाद में ब्राह्मण समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने रथ यात्रा के साथ बैंड डीजे बाइक रैली के साथ साथ निशान लेकर चले। यात्रा को भव्य उत्सव जैसा माहौल देते हुए भव्य त्योहार की तरह मनाया गया। गणेश मंदिर से मंत्रोच्चारण के साथ प्रारंभ हुई रथ यात्रा का मार्ग कई सामाजिक संगठनों ने सत्कार किया।